नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सार्थक टंडन है। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर टेक विद सार्थक। आज हम कुछ एडिटिंग सीखने वाले हैं, सिंपल एडिटिंग ट्रिक्स, ताकि हमारी थोड़ी एडिटिंग स्किल्स बढ़ जाएं। कुछ इस तरीके की एडिटिंग हम लोग करने वाले हैं आज। ये बहुत ही बढ़िया सेशन होने वाला है, सो प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं कर रखा तो प्लीज़ कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए हम शुरू स्टार्ट करते हैं हमारी एडिटिंग सीखना। तो आज हम कुछ इस तरीके की एडिटिंग करने वाले हैं। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको बस अपने एक हैंड की एक फ़ोटोग्राफ लेनी है, थोड़े से डार्क बैकग्राउंड में। हम आपको उसकी भी थोड़े से दिखा देंगे कि आप किस तरीके से ले सकते हैं, किस एंगल से ले सकते हैं। और आपको कुछ अर्थ की फ़ोटो डाउनलोड या मून की फ़ोटो या जो भी प्लैनेट आप लगाना चाहते हैं उसकी फ़ोटो डाउनलोड करनी पड़ेगी गूगल से या कहीं से भी जहाँ से आपको मन करे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको बताया था कि कुछ आपको हैंड की फ़ोटो ले लेनी है, तो आप कुछ इस एंगल में भी ले सकते हो। थोड़ा सा डार्क बैकग्राउंड है और आपके, हाँ ये ज़रूर ध्यान देना कि आपके हैंड पे थोड़ी सी लाइटिंग होनी चाहिए। आप देख रहे हैं थोड़ा सा इस हैंड के ऊपर लाइटिंग है, तो उसका बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि सर्च इफेक्ट आता है। नहीं तो आप इस एंगल से ले सकते हैं, इसका तो पूरा बैकग्राउंड ही डार्क है। हाँ, इसकी लाइटिंग हैंड पे अच्छी है। ये हमने ऊपर से बल्ब करके आप खींच सकते हैं। आप कोई बल्ब हाथ से ऊपर पकड़े हाथ के ऊपर और किसी को और को बोले फ़ोटो खींचने के लिए, मोबाइल से कैमरा से किसी से भी खींच सकते हैं। और आपको कुछ ऐसी अर्थ की फ़ोटोज़ डाउनलोड कर लेनी है, अर्थ की, मून की, और भी दिखा देते हैं ऐसे मून की फ़ोटो। ये फ़ोटो जैसे आप मून की देख रहे हैं, इसमें साइड में लाइटिंग है, तो हमने जो फ़ोटो खींची है उसके हैंड पे भी लाइटिंग है, तो इसलिए इससे बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ से हमारे हैंड की फ़ोटो ली और आप स्नैपसीड में आपको यहाँ पे थोड़ा सा करके दिखाते हैं। यहाँ पे टूल्स का ऑप्शन होता है। टूल्स में आप क्या आएगा, एक डबल एक्सपोजर आपको नीचे यहाँ पे दिख रहा होगा, डबल एक्सपोजर। आपने क्या करना है, डबल एक्सपोजर पे जाना है और अपनी फ़ोटो सिलेक्ट करनी है जो आपने इसके ऊपर लगानी है। और उसके बाद आपको उसकी प्लेसमेंट कर लेनी है अच्छे से कि मैं इसको अब यहाँ लगाना चाहता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मैंने इसे यहाँ लगाया और इसकी ओपेसिटी हमने पूरी फुल कर दी, फुल। और उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर एक बटन दिखेगा, आप इसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन आएगा व्यू एडिट्स। व्यू एडिट्स में जाके डबल एक्सपोजर में एक ब्रश का साइन बना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं डिलीट के एकदम राइट। आपने ब्रश ऑन किया और उसको नीचे स्ट्रेंथ फुल कर दी 100 डबल एक्सपोजर की। और जिस एरिया में आपने मून लगाया था उस एरिया में जाके थोड़ा सा ब्रश को घुमाया गोल गोल। आप देख सकते हैं कि मून की फ़ोटो यहाँ पे हमारे हैंड पे दिखाई देनी शुरू हो गई है। जो एक्स्ट्रा साइड का है वो हम डबल एक्सपोजर की स्ट्रेंथ एकदम ज़ीरो करके यहाँ से हम इसको हटा देंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। तो अब आप लोग जैसा कि देख सकते हैं हमने यहाँ पे हमारा मून ऐड कर दिया। अब लेकिन हमारा जो बैकग्राउंड है वो इतना भी डार्क नहीं है, तो हमारे फ़ोटो पे इतना कुछ खास इफेक्ट नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, टूल्स में जाके यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है सिलेक्टिव में आप किसी भी जगह को स्पॉट को सिलेक्ट करके उसकी ब्राइटनेस कम कर सकते हैं। मैंने स्पॉट को सिलेक्ट करा, ब्राइटनेस स्लो कर दी। सेकेंड स्पॉट ब्राइटनेस स्लो, थर्ड स्पॉट ब्राइटनेस स्लो, फोर्थ स्पॉट ब्राइटनेस स्लो। आप देख सकते हैं यहाँ साइड्स में हर जगह हमारे पास जो है ब्राइटनेस है ही नहीं, सब डार्क हो गई फ़ोटो, ब्लैक, प्योर ब्लैक, जिससे एक अच्छा इफेक्ट आ रहा है। और ये देखिए आपका ऐसी आपका नॉर्मल हैंड फ़ोटो पे आपका मून ऐड हो गया है। आप ऐसे कोई भी प्लैनेट ऐड कर सकते हैं। ये तो अभी फर्स्ट लेसन था, तो हमने थोड़ी सी इजी एडिटिंग सिखाई है। आगे आने वाले लेसन में बहुत अच्छी एडिटिंग सिखाएंगे, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं था आपका दोस्त सार्थक। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ हिट द लाइक बटन।